दामने को बिल्कुल उस फैसल मस्जिद के ऊपर है। बीवी है मेरी बीए, वो लक्स से नहाए। क्या कुछ पैगाम देना चाहें अपनी एक्स को? पैगाम देना चाहें, मोस्ट वेलकम भाई। हमें ख़वातीन हज़रात एक ऐसी शख्सियत मिल गई है जिसने कमेटी अपनी एक्स के घर डाली है। हमारी एक्स हमारा दम भी नहीं भरती, इसने अपनी एक्स को लाइव कैमरे पे खज्जल ख्वार कर दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम आपको दामने को की सैर करवाने जा रहे हैं। दामने को बिल्कुल उस फैसल मस्जिद के ऊपर है और वहाँ पे हम चल के लोगों से बात भी करेंगे और आप डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। और जी भाई, थोड़ा फॉर्मल हो गया, कैजुअल गए। फॉर्मल हो रहा है, कैजुअल करूँ? जी भाई, दामने को जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके लोगों से पहेलियाँ करनी है और उनसे पूछना है वीकेंड पे उनका लाइफस्टाइल क्या होता है। तो फिर मेरा ख्याल है चलें आ जाएं। hey everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना यार, मैं तो था जो बाइक चला के यहाँ पे आपको लेके आया हूँ। तो फाइनली हम दामने को व्यू पॉइंट में पहुँच चुके हैं, तो हम चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. Walaikum salam. Sir, aapka naam? Mera naam ji Aliyan Haider. Aapka? Muhammad Hassan. Muhammad Ayan. मामू हूँ ये मेरे भांजे। सर आप कहाँ से आए? मैं जी मुल्तान से। अच्छा, सर आपको यहाँ पे आगे कैसा फील हो? यहाँ पर तो हर टाइम आते ही रहते हैं, तो हर दफ़ा नई चीज़, एक नया वो माहौल देखने को मिलता है। बस ऐसे आ जाते हैं, चलो एक अच्छा खूबसूरत व्यू हो जाता है और मतलब अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देख के ना आप माइंड फ्रेश कर लेते हैं। यानी कि आँखें ठंडी करने आते हैं आप? हाँ, एक खूबसूरती देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल। आपका आई क्यू कैसा? इतना अच्छा नहीं है, मैथ बहुत कमज़ोर थी मेरी। आई क्यू और मैथ में ऐसे फर्क? मैथ जिसकी अच्छी होती है ना, उसका आई क्यू अच्छा होता है। चलें एक पहली पूछी जाए आपसे। पूछ लो, आ गई तो बता दूंगा, नहीं तो ना सही। चलें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप निकलते हैं तो कुछ नहीं होता, अगर वो आपको निकल ले तो आप मर जाते हैं? बताओ भाई, कुछ याद आ रही है? बच्चे बड़े ज़हीन है मेरे भांजे, बहुत आर वेरी इंटेलिजेंट। ये कोई जानवर टाइप है? कोई जानवर टाइप है? नहीं, ये आप सोचे ना क्या चीज़ हो सकती है जिसको हम निकलते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम निकलते हैं तो कुछ नहीं होता, जब वो हमें निकल लेती है तो हम मर जाते हैं? पता नहीं यार। चलें आप पहेली को छोड़ें, आप क्या करना चाहेंगे? कुछ गाना सुनाना चाहेंगे? मैं जो है ना, एक पहले बात करके फिर एक छोटा सा सॉन्ग सुना देता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल। बात यह है भी, आजकल हर बंदा परेशान है, एक तो महंगाई की वजह से, वैसे ही हालात ख़राब हैं, तो लोगों को हंस के मिले, मुस्कुराहट चाहिए बस। और दूसरी मुस्कुराहट के लिए दो तीन शेर सुना देता हूँ। वो कहता है, शादी न करना यारो, तुझको बता रहा हूँ,
आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। शादी न करना यारो तुझको बता रहा हूँ। आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। ये मेरे भांजे आजकल मेरी शादी का प्लान बना रहे हूँ। बीवी है मेरी बीए वो लक्स से नहाए, शैम्पू से बाल धोकर तिब्बत करीम लगाए। बाकी बचे हैं टुकड़े उनसे नहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। शादी न करना यारो सुबह के 9 बजे हैं, मेरी बीवी सो रही है, बच्चों की भोज बैठी मेरी जान को रो रही है। बच्चों के बीच बैठा रोटियां बना रहा हूँ। आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। शादी न करना यारो तुझको बता रहा हूँ। आफत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। सर आपकी अभी शादी भी नहीं हुई, आप इतने दिल जले हैं। बस शादी एक ऐसा फल है जिसने खाया वो भी बचताया, जिसने नहीं खाया वो भी बचताया, तो लिहाजा खा के बचता हूँ। मैं इंशाल्लाह करूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी तो नहीं साहब, पहली दफा आए? बिल्कुल। अच्छा तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? लोग बहुत ज्यादा हैं। लोग बहुत ज्यादा हैं और हवा बिल्कुल नहीं चल रही। हवा बिल्कुल नहीं चल रही और लोग बहुत ज्यादा हैं। हाँ हवा रुक जाती है अक्सर, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे हवा का जो है दबाव अच्छा रहता है। I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play tag. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aapka naam? Sahil. Sahil? साहिल। साहिल साहिल का क्या मतलब है? आया कि ये समंदर वाला साहिल है या कोई और? समंदर का किनारा है। समंदर का किनारा। तो साहिल कहाँ से आए हैं आप? जी हम आए ये इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में कहाँ से? F6। F6 से आए हैं आप। तो आप पहली दफ़ा आए हैं? बल्कि नहीं, आप तो इस्लामाबाद के, आप बार बार आएंगे। तो यहाँ पे आंखें ठंडी करने आए हैं या आप तबीयत ठंडी करने आए हैं? नहीं हम दरअसल ना हम टिकटॉक बनाने आए थे। आप टिकटॉक बनाने आए थे? अच्छा, IQ लेवल आपका कैसा है? अच्छा है सर बस। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एक पहेली पूछने लगा हूँ। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो मर्द में 3 है औरत में 4 है? मर्द में पिन ड्रॉप साइलेंस। नाजरीन ये हाल है इस्लामाबाद की F6 अवाम का। मर्द में कितनी है और औरत में 4? पिन ड्रॉप साइलेंस है नाजरीन। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिस मर्द में 3 और औरत में 4 है? साहिल इसके बारे में सोच रहे हैं, आइए इनके पास दोबारा चलते हैं। थोड़ा ओवर हो रहा है वैसे, थोड़ा सा सर आप कुछ साथ हेल्प करें ना। साथ हेल्प मैं ये करता हूँ कि उर्दू की अदबी किताबों में भी ये बात लिखी हुई है और बार बार लिखी हुई है। नहीं पता। नहीं पता, आप क्या सुनाना चाहेंगे जाते हुए? गाना तो हमें आता नहीं। गाना आता नहीं है और पहेली भी नहीं आती। और क्या कुछ पैगाम देना चाहें अपनी एक्स को? पैगाम देना चाहें? मोस्ट वेलकम। यही देना चाहता हूँ अपनी एक्स को। कमेटी मेरी आती है टाइम से, दे दिया करो। अच्छा तो ना जलील किया करो मुझे भाई। हमें खवातीन हज़रात एक ऐसी शख्सियत मिल गई है जिसने कमेटी अपनी एक्स के घर डाली, क्या हाल होगा? नहीं नहीं, एक्स के घर नहीं, वो मेरी कमेटी भरती है। वो कमेटी आपकी भर देती है? खवातीन हज़रात एक और इंकशाफ, इनकी एक्स इनकी कमेटी भरती है, हमारी एक्स हमारा दम भी नहीं भरती। टाइम से नहीं आती। कितनी कमेटी है? कितनी है? 3,000। नाजरीन 3,000 के पीछे इसने अपनी एक्स को लाइव कैमरे पे खजल ख्वार कर दिए। इसके अलावा टच मोबाइल नहीं है ना इसलिए उसके तो। पास उसके पास टच मोबाइल नहीं है और वो इसको इसकी कमेटियां भर रही है 3,000 की। नाजरीन ये होती है सच्ची मोहब्बत, नाजरीन ये होता है सच्चा प्यार। और आशिकी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं नहीं करूँगा सबको, क्योंकि नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो, हम सब छोड़ दें भाई। खवातीन हज़रात ये आशिकी कर रहे हैं, हम सब छोड़ दें। आप भी छोड़ दो भाई, वो नहीं है कोई छोड़ेगी। वो कह रहा मैं कर रहा हूँ, आप सब छोड़ दें। नहीं छोटी बहन इसके साथ करवाई है। खवातीन हज़रात ये बात कहीं और चलती जा रही है, मैं इस पर मुझे बहुत सारे कट लगाने पड़ेंगे इस गुफ्तगू पे।
और अल्लाह इनको, मैं प्रमोट नहीं करता वैसे इन चीज़ों को, लेकिन क्या करें, कमेटी डली हुई है, लेके भाग जाएगी भाई, खुश रहो आप, ठीक है? और हलो फूलो टिकटॉके बनाओ। वैसे वो पहेली का मतलब बता रहे हैं, उसका मतलब ये होता है, वैसे तो मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि मर्द में 3 हर्फ होते हैं और औरत में 4, आइन वाओ रे ते, ठीक है? जो आप सोच रहे थे, थैंक यू सो मच। They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid?